नजर आज की हेडलाइंस की ओर। ठक ठक गैंग की लाइफ चोरी, 40 रुपए का लालच देकर 4 लाख लूट लिए। दिल्ली एनसीआर में बड़ी ठंड, बेघरों को रैन बसेरों का सहारा। उधमपुर में पेट्रोल टैंकर में आग लगने से मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की साउथ एक्स मार्केट में ठक ठक गैंग ने कानपुर से ज्वेलरी खरीदने आई फैमिली को लूट लिया। 4-5 ठगों ने पार्किंग में लगी हुई गाड़ी में बैठे ड्राइवर को कुछ रुपए उठाने का लालच दिया और डिक्की से पैसे निकाल ले गए। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली एनसीआर में तापमान गिरने के साथ ही ठंड का प्रभाव शुरू हो गया। 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया, जिसका मतलब है ठंड में अचानक इजाफा हो सकता है। बढ़ती ठंड के साथ ही राजधानी दिल्ली में बेघरों के लिए रैन बसेरों में शरण लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके साथ ही वहां भीड़ दिखनी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक पेट्रोल टैंकर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।